अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, थर्ड क्लास का आज हमारा सेकंड लेक्चर है। थर्ड क्लास के चैप्टर नंबर फोर्थ का आज हमारा सेकंड लेक्चर है बच्चों। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जानवर क्या खाते हैं, तो खाने की बुनियाद पर हमने उनको तीन हिस्सों में डिवाइड किया था, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स। के कुछ ऐसे जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं वो हर्बीवोर्स कहलाते हैं, जबकि कुछ ऐसे जानवर जो सिर्फ गोश्त खाते हैं वो कार्निवोर्स कहलाते हैं, और कुछ ऐसे जानवर जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं, सिर्फ नहीं बल्कि पौधे और गोश्त दोनों खाते हैं, यानी प्लांट्स और मीट दोनों खाते हैं, वो कौन से जानवर कहलाते हैं, वो ओमनीवोर्स कहलाते हैं, और इंसान भी ओमनीवोर्स में आते हैं। फिर हमने मुख्तलिफ जानवरों के नाम पढ़े थे। आज हम एक बहुत मज़ेदार चीज़ पढ़ने वाले हैं, फूड चैन। क्या पढ़ेंगे? फूड चैन। जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फूड चैन क्या होती है बच्चों? फूड चेन एक तरह से ये समझ लें कि एक जानवर दूसरे जानवर पर किस तरह इन्हसार कर रहा होता है। हमें कैसे समझ में आएगा कि ये जानवर इस जानवर पर इन्हसार कर रहा होता है? जिस तरह हम बात करते हैं पौधों की, ठीक है, प्लांट है, ठीक है, प्लांट है, प्लांट को जो है वो एक बकरी खाती है, प्लांट को खा रही है, उधर ही जो है वो करीब में जंगल है, और जंगल से कौन आ जाता है? शेर। शेर किसको खा जाएगा? शेर खा जाएगा बकरी को। ऐसी है ये फूड चेन है, ठीक है, ये क्या है, ये फूड चेन है। पहला जो कंज्यूमर था, यानी कि पहली चीज़ जो खाई गई वो क्या थी? प्लांट। और वो किसने खाई? बकरी ने। और बकरी को कौन खा गया? शेर खा गया। सही है। इसी तरह के कई स्टेप्स होते हैं, कई फूड चेन्स होती हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे कैसे मतलब चीज़ों को खाया जाता है, ठीक है, फूड चेन चलती है। जानदार कैसे अपनी फूड रिक्वायरमेंट दूसरे जानदार से पूरे करते हैं, जिस तरह बकरी ने अपने खाने की जो ज़रूरत थी वो पौधों से पूरा किया, ठीक है, और शेर ने जो अपने खाने की ज़रूरत थी वो बकरी को खा के पूरी की। इसी तरह आप देखते हो कि कुछ छोटे पौधे भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि घास वगैरह, छोटे घास वगैरह होते हैं, उनको जो है वो कुछ कीड़े मकोड़े, चिड्डे वगैरह खा जाते हैं, ठीक है, उनको खा जाते हैं। अब इनको कौन खा जाता है? इनको जो है वो कुछ इनको परिंदे खा जाते हैं। सही है। तो यानी कि क्या चल रही है? फूड चेन चल रही है, जो कि स्टार्ट कहाँ से हो रही है? प्लांट से। प्लांट क्या खाते हैं? प्लांट बच्चों अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, और प्लांट को कौन खा जाता है? कुछ कीड़े मकोड़े, ठीक है, कीड़े मकोड़ों को कौन खा जाता है? ज़्यादातर परिंदे खा जाते हैं, ठीक है, या कोई बड़े कीड़े मकोड़े कीड़ों को खा जाते हैं। तो ये जो फूड चेन है ये चलती रहती है कि किस तरह एक जानवर दूसरे जानवर पर इन्हसार करता है, एक जानदार दूसरे जानदार पर इन्हसार करता है, ये फूड चेन ये बताती है। आप समझ में आ गई कि एक जानदार दूसरे जानदार पर किस तरह इन्हिसार करता है। अब ज़रा मैं आपके बुक की एक लाइन पढ़ रहा हूँ, उस पे देखें ज़रा सारे बच्चे। हमारे माहौल में मुख्तलिफ जानदार रहते हैं, ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल रहते हैं। हर जानदार का ताल्लुक दूसरे जानदार से है, हर जानदार का ताल्लुक दूसरे जानदार से है, सही है। ग़िज़ा की बुनियाद पर जानदारों के एक दूसरे से ताल्लुक़ को ग़िज़ाई जंजीर बोलते हैं, यानी कि एक जानवर का दूसरे जानवर से ग़िज़ा की बुनियाद पर जो ताल्लुक़ है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है फूड चेन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं? फूड को ग़िज़ा, चेन को जंजीर। क्या बना? ग़िज़ाई जंजीर। सही है। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं फूड चेन की। फूड चेन की जो डेफिनेशन बनती है हमारे पास वो ये है, इधर लिखते हैं डेफिनेशन। ग़िज़ा की बुनियाद पर जानवरों का दूसरे जानवरों से
से ताल्लुक, फूड चेन कहलाता है। अब आप इधर देख रहे हो मुख्तलिफ फूड चेन, ठीक है, आपके सामने मुख्तलिफ फूड चेन इधर नज़र आ रही हैं। हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी, ग़िज़ा की बुनियाद पर जानवरों का जो ताल्लुक है वो क्या कहलाता है, दूसरे जानवरों से जो जानवरों का ताल्लुक ग़िज़ा की बुनियाद पर है वो फूड चेन कहलाता है। और इधर हमने कुछ फूड चेन पढ़ी है, सही है। इसी तरह आपकी बुक में मुख्तलिफ फूड चेन मौजूद हैं। तो ये फूड चेन क्या ज़ाहिर कर रही है कि ये एक जानदार है, इसका ताल्लुक इस जानदार से कैसा है, क्योंकि ये वाला जानवर इस जानदार को खाता है, ठीक है। पौधों को बकरियां खाती हैं और दूसरे पौधे खाने वाले जानवर जो हैं पौधों को खाते हैं, ठीक है। कुछ गोश्त खाने वाले जानवर इनको खा जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि ज़रूरी नहीं है कि इधर पौधे खाने वाले जानवरों को ही सिर्फ गोश्त खाने वाले जानवर खाते हैं, बल्कि गोश्त खाने वाले जानवर बाज़ औक़ात ऐसे जानवर भी खाते हैं जो गोश्त और पौधे दोनों खाते हैं। जिस तरह अगर हम किसी परिंदे की बात करें तो परिंदे दोनों ही चीज़ खा रहे होते हैं, सही है। ज़्यादातर परिंदे जो है वो गोश्त भी खा लेते हैं और पौधे भी खाते हैं। अब शेर को अगर कोई परिंदा मिलता है, क्या वो उस परिंदे को छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, वो उसको खा जाएगा, ठीक है। या डॉग्स वगैरह होते हैं तो उनको कोई परिंदा अगर मिलता है और वो खाने की कोशिश करते हैं तो वो खा जाते हैं उसको। ऐसा नहीं कि वो छोड़ देते हैं कि भाई ये हम्मा खौर है, ये जो है पौधे और जानदार दोनों खाता है, यानी कि एक ओमनीवोर है तो इसको मैं नहीं खाऊंगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि गोश्त खाने जो वाले जो जानवर हैं वो पौधों के अलावा सारे जानदारों को खा जाते हैं, सही है, सारे जानदारों को खा सकते हैं। बात समझ में आ गई। ये था हमारा फूड चेन जिसमें हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी, ठीक है। अब आप डायग्राम से नीचे आते हो तो एक लाइन लिखी हुई है, उसको मैं पढ़ रहा हूँ, उस पर ज़रा देखें सारे बच्चे। ग़िज़ाई जंजीर की इब्तिदा पौधों से होती है, ऐसी है, पौधे सब्ज़ी खोर और हम्मा खोर जानवर को ग़िज़ा फराहम करते हैं। सब्ज़ी खोर यानी हर्बीवोर्स, हम्मा खोर ऐसे जानदार, ऐसे जानवर जो पौधे भी खाते हैं और उसके साथ साथ जानवरों का गोश्त भी खाते हैं, उनको हम हम्मा खोर कहते हैं, यानी कि ओमनीवोर्स कहते हैं। तो ओमनीवोर्स जो है वो पौधे भी खाते हैं और जानवर भी खाते हैं, सही है, जानवरों का गोश्त भी खाते हैं। ऐसे जानवरों को भी ये जो गोश्त खाने वाले जानवर हैं कार्निवोर्स हैं वो खा जाते हैं, यानी कि कार्निवोर्स ओमनीवोर्स और हर्बीवोर्स दोनों को खा सकते हैं। जबकि हर्बीवोर्स सिर्फ और सिर्फ किसको खाते हैं? सिर्फ और सिर्फ खाते हैं ये पौधों को। अब ये चीज़ सबके समझ में आ गई या नहीं आई? सबके समझ में आ गई। उसके बाद आगे ये लाइन कंटिन्यू करते हैं, ये सब्ज़ी खोर और हम्मा खोर जानवर गोश्त खोर जानवरों की ग़िज़ा बनते हैं। इस तरह ये ग़िज़ाई जंजीर चलती रहती है, यानी कि एक जानदार दूसरे जानदार का शिकार होता रहता है और ये ग़िज़ाई जंजीर चलती रहती है, ठीक है। जिस तरह बकरी ने अपना जो लाइफ पैसेंजर था, लाइफ पैसेज ऑफ टाइम था, वो उसने घास खा के पौधे खा के पूरा किया, ठीक है। जबकि शेर ने जो अपना पैसेज ऑफ टाइम था वो बकरी को खा के पूरा किया, यानी कि ये फूड चेन चलती रहती है कि एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है या एक जानदार दूसरे जानदार को खाता है, अपनी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, और ये ग़िज़ाई जंजीर जो है, ये फूड चेन जो है, ये इसी तरह चलती रहती है। तो सबके समझ में आ गया कि जानवर क्या खाते हैं, सही है, आंसर मिल गया इसका। कल भी हमने पढ़ा था, आज भी पढ़ लिया, अभी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने क्लास वर्क की तरफ, कि आज हमने क्लास वर्क में क्या काम करना है। क्लास वर्क में आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फूड चेन से क्या मुराद है? फूड चेन दरअसल जानवरों के आपसी ग़िज़ाई
ताल्लुक का नाम ही जिससे एक जानवर दूसरे जानवर से ग़िज़ा हासिल करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। फूड चेन दरअसल जानवरों का आपसी ग़िज़ाई ताल्लुक है। जानवरों का आएगा जानवरों के बाद, जानवरों का आपसी ग़िज़ाई ताल्लुक का नाम है जानवरों के आपसी ग़िज़ाई ताल्लुक का नाम है जिससे एक जानवर दूसरे जानवर से ग़िज़ा हासिल करता है। सही है, फूड चेन से क्या मुराद है समझ में आ गया, फूड चेन क्या होती है। फूड चेन के बाद अब हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। कोई दो फूड चेन बनाए, कोई दो फूड चेन बनाए। आपने जो है वो कोई सी भी दो फूड चेन्स बनानी है, यानी कि जानवरों की एक तरतीब दिखानी है जिसमें कौन सा जानवर किस जानदार को खा रहा है। और याद रहे कि स्टार्ट किससे होगा, पौधे से होगा। अब आप वीडियो रोकें, ठीक है, आप बुक से भी हेल्प ले सकते हैं, आप बबल से भी हेल्प ले सकते हैं, पर याद रहे जो मैंने दो बबल में बनाए थे उन दोनों में से कोई सा भी एक नहीं होना चाहिए। आप गौर करें, ठीक है, मुशाहिदा करें और उसके बाद फिर यहाँ पर दो फूड चेन बनाएं कि आपकी नज़र में कौन सा जानवर पौधे खाता है और कौन सा जानवर उस जानवर को खा जाता है। ठीक है, वो साइकिल आपने दो इधर बना कर दिखाने हैं। आज समझ में आ गई, ये है आपका आज का क्लास है। अब वीडियो रोकें, दूसरा क्वेश्चन जो है उसको कंप्लीट करें। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद हम चलते हैं होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आपको बस एक ही क्वेश्चन देना है, ठीक है। पेज नंबर आप आ जाओ 21 पे। पेज नंबर 21 पे दरकार अशिया मिट्टी के बर्तन या प्लेट मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाई चीज़ें, ठीक है, आपको इधर मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाई चीज़ें नज़र आ रही होंगी। पेज नंबर 21 पे आप देखो, ठीक है, मुख्तलिफ ग़िज़ाओं के नाम नज़र आ रहे हैं। कौन कौन सी ग़िज़ाएँ, इसमें आपने दो कॉलम बनाने हैं कॉपी पे, ठीक है, होमवर्क में आपने ये काम करना है, दो कॉलम बनाने हैं, ठीक है, ग़िज़ा और इसको खाने वाला जानवर। ग़िज़ा कौन सी है, चे है, चेड़े बड़ी है, छेचड़े, छीचड़े, और आता है बाजरा, इसके बाद आता है रोटी, केचुआ, बाकी दो नाम इधर लिख रहा हूँ। ग़िज़ा और जानवर, चीनी और उबले हुए चावल, अच्छा बच्चों आपने ग़िज़ा देखनी है कि छेचड़े, सही है, यह ग़िज़ा है। अब ये किस जानवर की ग़िज़ा है आपने उसका नाम इधर लिखना है। बाजरा, ये भी ग़िज़ा है, किस जानवर की ग़िज़ा है। रोटी, ये भी ग़िज़ा है, किस जानदार की ग़िज़ा है। केचुआ, किस जानदार की ग़िज़ा है। चीनी, कौन सा जानदार खाता है, सही है, या कौन सा जानवर खाता है। उबले हुए चावल, कौन सा जानवर खाता है, ठीक है,
बात समझ में आ गई। इस तरह आपने दो कॉलम बनाने हैं। अच्छा, आपने कोशिश करनी है कि उबले हुए चावल पूरा एक ही लाइन में, क्योंकि जगह मेरे पास कम थी इस वजह से मैंने इसको नीचे लिख दिया, पर आपने इसको एक ही लाइन में लिखना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। रहिए, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।